ये रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ, जहां पर धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला है। और ये कहां मिला है? ये मिला है कांग्रेस कार्यालय के भीतर, जहां प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता हथियारों के साथ मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में टोटल लॉकडाउन है, ऐसे में न सिर्फ भीड़ जमा हुई कांग्रेस कार्यालय के अंदर बल्कि हथियारों के साथ भी हुई। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जहां धज्जियां उड़ी, वहीं लॉकडाउन के नियम को भी तोड़ा गया। और इसके अलावा खुलेआम हथियार रखने का जो कानून है वो भी यहां पर उसको धता बताया गया। प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, हथियार जो हैं वो चंबल अंचल जो है ग्वालियर और उसके आसपास, वो मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शायद जो लोग जितना बड़ा हथियार वहाँ पर, जितनी बड़ी बंदूक या राइफल लेके चलते हैं, वो उतने ही ज़्यादा असर रसूख का आदमी माना जाता है। लेकिन नियम और कानून इस सबसे ऊपर हैं, जो कांग्रेस कार्यालय में नज़र नहीं आया। बिल्कुल सुहेल जी, आपने ठीक कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में हथियार एक शान का प्रतीक होता है, लेकिन उसके लिए तमाम सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। अभी ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू है और टोटल लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए एहतियातन प्रशासन ने ये कदम उठाया है कि शनिवार और रविवार पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको देखते हुए भी प्रशासन ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन राजनीतिक दल इन्हें नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई थी, यहाँ पर कांग्रेस के आला नेता भी शामिल हुए थे। वहाँ देखने को मिला कि कुछ जो कार्यकर्ता थे वो हाथों में हथियार लेकर पहुँचे थे। लगभग 200 से 250 कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहे, तो ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन तो हुआ ही, साथ ही धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। हालांकि मामले में कोई भी कांग्रेसी नेता कुछ भी कहने से बच रहा था, लेकिन तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो तमाम नियम कायदों का माखौल उड़ाते हैं। सुहेल जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे पास कांग्रेस की तरफ से धर्मेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही बातचीत के लिए आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। धर्मेंद्र जी, आपके पास पहले आना चाहूँगा, चूँकि मामला इस वक्त आपकी पार्टी से जुड़ा है। कांग्रेस कार्यालय की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्वालियर शहर है, कार्यकर्ता हाथों में राइफल बंदूकें लिए खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। माना जा सकता है कि राजनीतिक दल हैं, पार्टियां बैठकें करती हैं, बैठकों के लंबे दौर होते हैं, लेकिन नियम कायदे सबसे ऊपर होना चाहिए या नहीं? ऐसा कुछ वाक्य हुआ नहीं है, पहली बात तो जो आप बता रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं धर्मेंद्र जी। अगर आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां टेलीविजन आपके आसपास है, तो आप बंसल न्यूज लगा लीजिए। सर जी, अभी कल भाजपा मुख्यालय भोपाल में सिंधिया जी के साथ कितने कार्यकर्ता थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई थी इनकी? भाजपा धर्मेंद्र जी, मेरे साथ आशीष जी हैं, उसका जवाब मैं उनसे ले लूंगा। आप थोड़ा सा कांग्रेस पे फोकस करके बात करें, मैं आशीष जी के पास जब जाऊंगा तो वो सवाल उनसे पूछ लूंगा। कोई फोकस कर रहा हूँ, इससे पहले मंत्रियों के शपथ ग्रहण में सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई थी? वो भी बीजेपी का कार्यक्रम था। अपने चुनाव अभियान को विस्तार दे रही है, उसमें इमरती देवी जी का बिलौआ वाला आपने वीडियो चलाया, आपने खबर चलाई थी, आपने खुद ने दिखाया था। ग्वालियर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा इस समय चुनावी मोड में केवल चुनाव और चुनाव देख रही है। आज कोरोना काल में जब अनलॉक टू आ गया है, भाजपा ने तो जब लॉकडाउन फर्स्ट आया था तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तब भी हजारों वीडियो उनके वायरल हुए, हजारों खबरें आपने दिखाई। भाजपा के लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग में विश्वास रखते हैं, ना ही लॉकडाउन में। अच्छा, वो करेंगे तो आप भी करेंगे जी? क्या या इसका मायने ये कि अगर वो करेंगे तो आप भी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो कार्यकर्ता अगर कोई आया है कार्यालय के अंदर, तो कोई पहले तो गन वगैरह लेके आते ही नहीं है। अगर कोई वो किसी नेता के साथ, किसी का सिक्योरिटी गार्ड है, अगर कोई आया है तो वो पार्टी कार्यालय के बाहर ही होगा, अंदर तो आ ही नहीं सकता। पार्टी कार्यालय में कांग्रेस ही ने, आपने देखा हो किसी भी कांग्रेसी नेता ने या कार्यकर्ता ने सड़कों पर जनता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया। भाजपा के लोग तो सरेआम सड़कों पर जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देखो तस्वीरें जी, तस्वीरें सीधी चल रही हैं इस बार टीवी पे, एक छोटे से कॉर्नर में आपकी फोटो भी दिख रही है और वो शख्स भी दिख रहा है जिसके हाथ में बड़ी सारी बंदूक है। भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष के स्वागत में बिलौआ में ढोल नगाड़े बजाकर 200 से 300 कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर इमरती देवी जी निकली थी, जब लॉकडाउन था, अनलॉकडाउन नहीं था, जब लॉकडाउन था।
तब भाजपा के लोगों ने, हमने शिकायत की कि प्रशासन में, प्रशासन ने और भाजपा के लोगों ने क्या कार्रवाई की जरा बता दें। अच्छा चलिए आशीष अग्रवाल साहब के पास चलते हैं। आशीष जी, धर्मेंद्र जी को आपने सुना होगा, फोन लाइन पर आप भी मौजूद हैं। हमने सवाल हालांकि उनके पार्टी दफ्तर को लेकर खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने हमें 1, 2, 3, 4 करके कई ऐसे वाक्य गिना दिए जब वो लगातार सब बीजेपी से जुड़े थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी दफ्तर में आना हो या फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने वो गिनाए कि बीजेपी भी तमाम ये चीज़ें कर रही है। कहाँ तक आप इसे ठीक मानते हैं? मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से उठकर ऊपर पूछ रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो कोरोना है ये ना तो पार्टी देखकर आता है, ना जाति देखकर आता है, ना धर्म देखकर आता है। और मुझे लगता है कि हर विषय पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो निश्चित ही जो भी पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना के संकट काल में जो डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है, तो बड़े नेताओं को आके उसमें इंटरवीन करना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस को स्वीकारना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी गलती करे तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकारेगी। और एक राजनीतिक दल के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक सरोकार ये कहता है कि हमने स्वयं को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, तो इस विषय पर राजनीति ना हो। जब आपके मंत्री गए थे कोरोना नहीं, ये तो डरोना है कांग्रेस सरकार गिराने के लिए। देखिए धर्मेंद्र जी, जब आप प्याज के छिलके उतारेंगे तो बारह बार जो अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपको नहीं। धर्मेंद्र जी एक मिनट, मैं आशीष अग्रवाल साहब से मैं पूछ लेता हूँ अपनी तरफ से। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही और बड़े अच्छे मैनर में कही कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नियम सबसे ऊपर हैं, अगर गलती किसी से होती है तो मान लेना चाहिए। आशीष जी, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के किसी किसी कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन हुआ और आप उसको उसके लिए खेद जताएंगे क्या? नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा एक राजनीतिक दल है, तो निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं से हो सकता है कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हुआ, परंतु वरिष्ठ नेतृत्व उनको लगातार इस बात को आगाह करता है। मैं दोबारा अपने मित्र से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर राजनीति ना हो, बल्कि इस विषय में हमें बल्कि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बाकी राजनीति करेंगे तो कोरोना के लिए कमलनाथ ने 23 मार्च से पहले क्या किया वो पूरा प्रदेश जानता है। चलिए, राजनीति के लिए और भी विषय हैं और वो खुले हैं, उन पर राजनीति की जा सकती है। जनता से जुड़े भी कई मुद्दे हैं, उनको लेकर राजनीति होना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क आज भी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को मयस्सर नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी और धर्मेंद्र शर्मा आपका भी। तस्वीरें ग्वालियर के कांग्रेस कार्यालय की हैं। नियमों के मुताबिक भीड़ भी ज़्यादा थी और हथियार हम आपको खुलेआम स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, और जहाँ पर ऐसी भीड़ हो, जहाँ इतने आम लोग जमा हो, वहाँ इस तरह हथियारों का खुलेआम लेकर घूमना ठीक नहीं है। हालांकि धर्मेंद्र जी इन तस्वीरों को भी नकारते नजर आए, बहरहाल ये उनका व्यू था, उनका अपना नज़रिया था, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं।